मैं ला रहा हूँ आपके शहर टोरंटो में हम अवार्ड्स 24 सितंबर 2022 एट फर्स्ट ओंटारियो सेंटर. सो टू बुक अप योर टिकट्स ऑन 24 सितंबर 2022 एट द फर्स्ट ओंटारियो सेंटर. टू बुक योर टिकट्स लॉग ऑन टू hamawards.ca. टू एडवर्टाइज इन कैनेडा प्लीज कॉल 905-849-5551 और लॉग ऑन टू hamawards.ca. नहीं, इससे कम मैं नहीं कर सकती. हमारे फिक्स्ड रेट्स हैं. जी जी. अच्छा, ऐसा करती हूँ कि मैं आपको हमारी कुछ डील्स हैं वो व्हाट्सएप कर देती हूँ, उसमें से देख लें आप. ठीक है, चले. ओके. रिबाब बीबी, कुछ अंदाजा है आपको कि ये 10वीं नौकरी है जिसे आप लात मार के आई हैं? मैं क्या करूँ, नहीं बनती मेरी बॉसेस से. अजीब खड़ूसे होते हैं, बॉस से ज्यादा बॉस बनते हैं. तो क्या मतलब है आपका? वो आपसे कहेंगे कि आइए रबाब बीबी, हमने आपको नौकरी पे रख लिया है, फिर आपको कॉफी बनाकर पेश करेंगे. हाँ, पेश कर दो. फिलहाल तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने काम पे फोकस करो. मुझे छोड़ दो. अपने काम पर कैसे फोकस कर सकती हूँ भला? घर का खर्च कैसे चलेगा? मैंने सोच लिया, मैं अब एक ऐप के थ्रू राइड्स लूंगी. हाय, टैक्सी, टैक्सी चलाओगी? नहीं भाई जानू, टैक्सी नहीं है, कैप्टन कहते हैं. कैप्टन कुत्ते को टॉमी कहने से उसके पर नहीं लग जाते, बटरफ्लाई नहीं बन जाता है वो, ड्राइवर ड्राइवर ही होता है. हाय अल्लाह, मैं तुम्हारी शादी करूंगी तो उन्हें क्या बताऊंगी कि मेरी बेटी ड्राइवर है, टैक्सी चलाती है? कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा. मेरी टेंशन ना ले, ये तजर्बा है सिर्फ. आखिर मैं अपनी ही कंपनी खोलनी है मैंने, और मैं सच बता रही हूँ, जिस दिन मेरा मूड हुआ ना शादी करने का, रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी, लाइनें. खुदा की कसम, गौर से देख के बताओ क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? बहुत ज्यादा ब्यूटी हो तुम, लेकिन शदीद फूल हो तुम. कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, होपलेस केस हो तुम. ऐसी सही बदनाम हुए तो क्या नाम ना. नीलू, हाँ, मीठा के लाओ, मीठा. मीठा वो पहली राइड मिल गई है, मैं जा रही हूँ. मुबारक हो. मुबारक हो, लेकिन वो आधा घंटा लगेगा, अभी तो बेक हो रहे हैं. चलो छोड़ो, ये भी तो मीठा ही है, इससे ज्यादा मीठा क्या होगा. आई लव यू, बाय बाय. सेम टू यू. मेरी बच्ची भी ना. हेलो हेलो, आंटी नीलम स्पीकिंग. जी जी, वो मुझे याद है, 5, जी जी 5 केक्स है ना आपके, 2 वनीला, 1 चॉकलेट, 2 रेड वेलवेट. जी ठीक है, हो जाएंगे, लेकिन प्लीज पेमेंट टाइम पे भिजवा दीजिएगा जरा. यस, आप डैड से कहिए कि मुझे उनकी दी हुई गाड़ी और ड्राइवर नहीं चाहिए, आ जाऊंगा मैं. अलैकुम. क्या देख रहे हैं? नहीं कुछ नहीं. कोई बात नहीं, मुझे भी अजीब सा ही लग रहा है, आज मेरी पहली राइड है. अच्छा, कहीं आप परेशान तो नहीं हो रहे कि लड़की चला रही है? पता नहीं मेरा क्या होगा. ऐसे आपस की बात बताऊँ, वो जमाने चले गए, अब लड़कियां एकदम जबरदस्त चलाती हैं. अपना मानना है कि जब मौत लिखी है ना तो लिखी है, अगर आज लिखी है तो आज आप चले जाएंगे, और अगर आज बचना है ना तो मेरी ड्राइविंग से भी बच जाएंगे. अच्छा देख के आगे जरा, यहाँ से कहते हैं हमने यहाँ से राइट लेना है. देख के जस्ट किडिंग. नहीं वैसे है ये फैक्ट.
आमिर भाई कहाँ रह गए हो तुम? डैड आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ बस। यार अर्शद साहब और भाभी के फोन आ रहे, 3-4 दफा फोन आ चुके हैं। भाई अगर तुम्हारे कोई खास दोस्त आ रहे हैं उनको साथ ले आओ। अच्छा डैड प्लीज, आ रहा हूँ ना मैं, अब दोबारा शुरू मत हो जाएगा, मैं आ रहा हूँ, जल्दी आओ। हो गया ना हमेशा की तरह लेट आपका बेटा। अच्छा अगर आमिर वक्त पे आ जाए तो वो आपका बेटा, लेट हो जाए तो मेरा बेटा, अगर आमिर पास हो जाए तो वो आपका बेटा और फेल हो जाए तो मेरा बेटा। ओ, इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत, ये बात आप मुझसे आराम से भी कह सकते हैं। अच्छा आप करें तो ठीक है, जायज है, और हम करें तो ओवर एक्टिंग, एब्सोल्युटली नॉट। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो कौन सा मनहूस दिन था, मैंने आपसे शादी की थी। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोचता रहा हूं कि वो कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने आपसे शादी की थी। अरे भाई नीलो डार्लिंग की भी कॉल आ गई। हाँ भाई नीलो डार्लिंग, कैप्टन रबाब स्पीकिंग। कैप्टन रबाब जी, आपकी अम्मी स्पीकिंग। जरा पुराने ताल्लुकात की बिना पर एक राइड आप हमें भी दे दें। अरे क्या बात कर रही हो, राइड भी आपकी और कैप्टन भी आपका, हुक्म करें। आज ना मुझे बाबा जी ने बिल्कुल साफ बता दिया कि तुम्हारी ना किसी ने बंदिश कराई हुई है ताकि तुम्हारी शादी ना हो। नीनो जानू क्यों टेंशन लेती हो, कहा तो एक छोटी सी कंपनी खोल लें उसके बाद करेंगे शादी वादी, कोई टेंशन ही नहीं, वोट बनने तो लाइनें लग जाएंगी लड़कों की, तुम टेंशन ना लो। उफ़ ज्यादा मत बोलो कैप्टन रबाब, मेरी बात सुनो, मुझे ना आज शाम को एक उल्लू चाहिए। मुझे बाबा जी ने कहा है कि उल्लू का दिल निकाल के काट के उसकी फ्राई बोटी बना के मैं तुम्हें खिलाऊंगी ना तो तुम्हारी शादी बस पक्की है फिर, समझो। अच्छा नीनो जानू सुनो, मेरे साथ अभी एक क्लाइंट है, मैं ना बाद में बात करती हूँ। अच्छा कौन है वो, कैसा दिखता है लड़का, अब शादीशुदा या गैर शादीशुदा? यार नीली जानू खुदा के वास्ते, क्लाइंट की और बहुत सारी राइट्स है, अभी मैं इस तरह की बातें नहीं कर सकती हूँ, बाद में बात करते हैं। हाँ अच्छा बस ठीक है, मैं तुम्हें बता रही हूँ फिर, अगर तुमने आज शाम तक मुझे उल्लू लाकर ना दिया ना तो मैं पंखे से लटक कर जान दे दूंगी अपनी। सुनो 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 सुनो, मेरे कमरे के पंखे से मत लटकना, बिना पंखे के मातम कैसे करूंगी, गर्मी से मर जाऊंगी। अरे मैं मर जाऊं, 10,000 कोई मीसने मरे होंगे ना तो एक तुम पैदा हुई हो रबाब। I love you. ऐसी औलाद है मेरी। लगता है आपकी काफी पुरानी दोस्त है। अरे कहाँ दोस्त, नहीं माँ है मेरी, माँ सही खतरनाक खातून है, लेकिन जान है मेरी। आप अपनी माँ से ऐसे बात करती हैं? हाँ ना, माँ बाद में, मेरी बेस्ट फ्रेंड पहले, अब दोस्त का नाम लेके ना बात करें तो क्या फायदा है। तो जैसा कि मैं आप सबको एक सरप्राइज के बारे में बता रही थी, ये मैं हूँ, ये मेरी फैमिली है और गेस्ट कुछ देर में आने वाले हैं और मेरी एंगेजमेंट का इवेंट लाइव हो रहा है। डैड मॉम कम से हाय टू माय फैंस। अरे हाय बाय बाद में करते रहना, पहले उसका पता करो आमिर का, वो कहाँ रह गया है, मैं कितनी देर से उसे कॉल कर रहा हूँ, उसका कुछ पता नहीं है। Oh my God, that is so beautiful. My dad is super stressed for me. Meri engagement hai na, aap sab se baad mein baat karti hu. Love you. Yes. Haan beta, kitne se log intezar kar rahe hain, aadha ghanta ho gaya, pata karo kidhar hai. Dad, mom, aap logon ko pata hai ki aap logon ne mujhe mere Insta fans ke samne kitna zaleel kar diya hai. Embarrass karwaya aapne mujhe. Beta, embarrass to hum log ho rahe hain, beizzati to hamari ho rahi hai. Uska pata karo jisse tumne shaadi karni hai aur nikah karna hai. उसको मैं इतनी देर से मिला रहा हूँ, कुछ होता पता नहीं है इस लड़के का। हेलो हाँ जी 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 जी, हम बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। हेलो कौन? तुम्हारी माँ की होने वाली बहू। तुम कहाँ पे हो आमिर, अभी तक आए क्यों नहीं हो? अगर तुम्हें याद हो तो इत्तेफाक से हमारी एंगेजमेंट है। इत्तेफाक से नहीं, जोर जबरदस्ती से। अब जबरदस्ती है या इत्तेफाक, लेकिन तुम फौरन यहाँ पहुँचो क्योंकि मुझे ये सारा इवेंट लाइव कवर करना है। मरे हुए रिश्ते की लाश तो इंस्टाग्राम पे लाइव दिखा दोगी ना तो उससे रिश्ता जिंदा नहीं हो जाएगा, समझ? Whatever. जैसे मैं मरी जा रही हूँ। Yes. हाँ, I have a solution to this. ऐसा करते हैं,
कि तुम और मैं फेक एंगेजमेंट कर लेते हैं. रिमेम्बर जब एंगेजमेंट की शॉपिंग चल रही थी तो मेरे फॉलोअर्स कितने ज्यादा बढ़े थे. उसके बाद हम दोनों ब्रेकअप कर लेंगे. वेट अ सेकंड, और फिर ब्रेकअप की भी ब्रेकअप पार्टी कर लेंगे. व्हाट यू से, इतने सारे फॉलोअर्स. व्हाट आर यू आउट ऑफ योर माइंड यार, इंस्टाग्राम के बाहर भी दुनिया होती है. अब बस कर दो अपने दिखावा. दफा मैंने तुम्हें समझाया कि लोगों को धोखा देना छोड़ दो. समन नीलो डार्लिंग, मैं बाद में कॉल करती हूँ, बिजी हो भी किसी के साथ. अच्छा तो डिले का रीजन ये है कि तुम किसी और लड़की के साथ हो. फन कर दिया. ओह माय गॉड, माय 1 मिलियन इंस्टा फैमिली. Thank you for the ride. अरे जुल्फिकार साहब, ये क्या गेम चल रहा है? अरे अर्शद साहब, ये कैंडी क्रश है, जबरदस्त गेम है, और मैं तो 2000 स्टेज से ऊपर जा चुका हूँ. आप भी खेलिए. मैं इस गेम की बात नहीं कर रहा, मैं आपके बेटे के गेम की बात कर रहा हूँ. वो कहाँ है? वो पता नहीं भाई साहब. आज मेरी बेटी की मंगनी है. किधर है आपका बेटा? व्हाट इज दिस? आ रहा होगा है ना. सच सच बताइए, पहले आपने अपने ड्राइवर को भेजा, वो वापस आ गया, फिर आपने कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ आ रहा है, फिर अभी आप ये कह रहे हैं कि वो अभी रास्ते में है. अर्शद भाई, आप क्यों मेरे बेटे पे शक कर रहे हैं? अभी आता ही होगा. ये ले, आ गया. अरे मेरा बेटा आ गया. आमिर बेटा कहाँ रह गए थे? भाई अपने दोस्तों को भी बुलाओ ना जो बाहर हैं. क्यों, उस बिचारी को अंदर क्यों बुलाऊं? उसका इस सबसे क्या लेना देना? बिचारी? एक सेकंड, बिचारी मतलब लड़की. देखा पापा, मैं आपसे कह रही थी ना, इसका फेयर चल रहा है और मैं यहाँ इसका वेट कर रही हूँ. बेटा रोती क्यों हो? पापा है ना, बात कर रहे हैं ना. आमिर देखो ये सब क्या है. अरे क्या देखूं, आप नहीं देख रहे अंकल, एक्टिंग कर रही है ये. इसको शुरू से ही मुझ में इंटरेस्ट था ही नहीं, और ना मुझे इसमें इंटरेस्ट था. ये मुझसे सिर्फ मंगनी इसलिए करना चाहती थी क्योंकि पिक्चर्स कैप्चर होंगी, इवेंट कैप्चर होगा, पिक्चर्स मिलेंगी, कंटेंट मिलेगा, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ेंगे इसके, दैट्स इट, बाद में ब्रेकअप. पापा ये झूठ बोल रहा है, ये एक लड़की के साथ था और मैंने अपने कानों से उसकी आवाज सुनी है. अंकल इसका अफेयर चल रहा है. अच्छा, इल्जाम पे इल्जाम लगा रही है मुझ पे. अच्छा, मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं हूँ. अरे ये कौन? सलाम अलैकुम जी. वालेकुम सलाम. वो आपका वॉलेट और फोन रह गया था. देखा, यही है वो लड़की. मैं सबको कह रही थी ना कि आमिर का किसी से चक्कर चल रहा है. देखा अंकल, इसका अफेयर चल रहा है. बताओ कब से जानती हो तुम आमिर को? अरे आधे घंटे से. तुम्हें शर्म नहीं आती? इसकी मंगनी हो चुकी है और तुम इसको लेके सैर सपाटे कर रही हो? देखिए आंटी, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी ना बर्दाश्त बहुत कम है. ऐसा ना हो गुस्से में कुछ कह जाऊं मैं. ये तो इनका फोन बार बार बज रहा था तो पकड़ाने आई थी. आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मंगनी एंजॉय करें. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. अजय, आप उस बेचारे को क्यों डांट रही थी? इस सब में इसका क्या कसूर था? और तुम, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? और ना मैं तुम, तो कोई फायदा नहीं है इस मंगनी का. पहले तो मैं समझता था सुमन कि तुम इमेच्योर हो, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है इमेच्योर होने के साथ साथ तुम कितनी बड़ी झूठी हो. इसलिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये मंगनी तोड़ रहा हूँ. तुम मुझसे क्या मंगनी तोड़ोगे? मैं खुद तुमसे मंगनी तोड़ती हूँ. माय फुट. अरे अरे सुनो बेटा, छोड़ दें ड्रामे, बस ड्रामे कर रही है. आमिर, ओह अर्शद साहब, मंगनी तो मेरे ख्याल से खत्म हो गई. कैंडी क्रश खेलेंगे? या खुदाया, हरकतों से बाज नहीं आते आप. नहीं क्या तमाशा था ये? अजीब मजाक बनाया मैं कोई? खुदा की कसम मेरी बर्दाश्त थी ये, वरना मैं नीलो डार्लिंग को लेकर आती और सबको सीधा कर देती साथ. सॉरी यार, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तो खुद यहाँ पे मंगनी तोड़ने के लिए आया था. अब उन लोगों को लगा कि मेरा और तुम्हारा कोई सीन है तो मैं क्या करता? सीन? मेरा और तुम्हारा? हाँ, दो
होती है यार, मतलब कुछ भी चलेगा। अच्छा आई एम सॉरी, मैं कहता रहा हूँ ना, प्लीज सॉरी। अब अगली लोकेशन पे चले, लेट्स गो। अच्छा वो किसी की बार बार कॉल आ रही थी, चेक कर लिएगा, देख ले कोई इमरजेंसी ना हो। इतनी कॉल्स, अल्लाह खैर करे। आप चले मैं कॉल करता हूँ उसको। तेरी हिम्मत किस तरह हुई मेरी सहेली के साथ चक्कर चलाने दी? मुसलमा कोरे, मेरी प्यारी है, मेरी सोनी है, मैं तेरी सहेली नाल कोई चक्कर नहीं चलाया। क्रॉस कर ले इनको। अरे वो तो मेरी पैणा वर्गी है। झूठ मान है क्योंकि तू ही मेरी पैण है। दफा मगल है। तू मेनू चपेट मार रही है, तू मेनू मार रही है। एक केंदी कॉल आ रही है, मेरी गल हले खत्म नहीं हुई। खबरदार फोन ना चुकी। मैं क्यों नहीं फोन चुकड़ा? इतने फोन चुकी मेरी गल हले खत्म नहीं हुई। तू आज फोन नहीं चुकना उस चुड़ैल का। ओ बीबी चुड़ैल नहीं है मेरा यार, आमिरा तो पास करना है। बोल सारी आवाज बाहर जा रही है। चुप। मैं जरा कॉल कर ले अपने यार के नाल। तेनू क्या फोन? ओ फोन ऐ देख आ तेरा मेरा यार आ रहे। फोन 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 नहीं बंद कर। फोन बंद कर। मैं नहीं करूंगा फोन बंद। फोन मेनू पढ़ा दे अच्छे। मैं तेरे गल नहीं करन दी। मैं करूंगा गल। किथे जाना? फोन दे मैं जाऊं। फोन। हेलो। हां पप्पी इधर आ। इधर आ। देख तेरी मैं आज हड्डियां तोड़नी है। तू मेरी हड्डियां क्यों तोड़ेगी? मेरे बैग का रखे। मैं कह रहा हूँ मेरा सामान पिक करने आ रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रखना, मेरी फ्लाइट है अभी लंदन की। की चुड़ैल 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 गल करी जा रही है। कौन है तू? मेरा यार आमिर, तेरे को दसा दिया मैं यार आमिर। आमिर की ऐसी ऐसी नहीं होएगी। आमिर की ऐसी ऐसी हट जा मेरे को, मैं उठे जा रही गल करनी है अपने यार देना। अरे यार नीलो करती हूं ना बाद में कॉल, मेरी अपनी जिंदगी इस वक्त सर्कस बनी हुई है। उल्लू जरूर लेकर आना, भूलना मत। बाबा जी ने कहा था 1.25 किलो से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है? यानी ले आऊंगी ना, फुल फुल वजन करा के ले आऊंगी। हां हां डोंट वरी। अल्लाह हाफिज। कोई नहीं यार, तू आ जाते अपना सामान ले जा मेरे। तू ओके सामान। तू फिर बोली जा रही है। सामान आवे तो सही, उनके सामान नु आग भी लावांगी ते तेनु भी मारांगी। हाय मेरा दोस्त पॉपी। पॉपी किधर है तू यार? मेरा वीर किथे है तू? ओ पॉपी यार शुक्र है तू आ गया यार, तू आ गया यार। तेरी परजाई है ना, उनकी एक सहेली सी बड़ी मासूम जी सी, तो उन्हें घर छड़न जा रही थी, तो उन्हें मैंने अपना नंबर दे दिया, मैं उन्हें ना चैटा कर रही थी, तो तेरी भाभी ने सारी की सारी चैटा देख लिया यार। अरे यार अपनी कहानी छोड़ भाई, ये बताते कि मेरा बैग कहाँ है, मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, मेरी फ्लाइट है यार। ओ यार तेरा बैग ते तेरा सामान सारे तेरी भाभी लेके गई है तीली लाने वास्ते। मेरा बैग नहीं है, वो मेरी जिंदगी है, मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मेरा पासपोर्ट है, ऐसी सब कुछ उसके अंदर। भाभी 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 प्लीज, आपको पॉपी नहीं, पॉपी की नहीं, आपको अपनी कसम है भाभी, प्लीज उस बैग को आग मत लगाइएगा, उसमें मेरी पूरी जिंदगी है भाभी, मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मेरा पासपोर्ट, मेरी मेरी NIC उसके अंदर है, बर्थ फॉर्म भाभी, मेरी फ्लाइट है लंदन की, प्लीज भाभी, मैं तो वैसे ही मजलूम हूँ, दुनिया का सताया हुआ हूँ भाभी, प्लीज भाभी प्लीज। भाभी अपना सामान ते मगरा ले जाए तो दोबारा अंदर ना आई तू मेरे कार से। आहो अपनी कुकड़ी हुई है अपने नाल ले जा। मैं तेनू आख्या सी ना, जो मैं कहनी हां वो करके बहानी हां, बुढ़ी हां मैं तेरी। आहो तुसी हाले तक गए नहीं जी, तुम्हें मैं दसा, चल निकल जा, लत्ता बांधांगी मैं तेरी, अपनी कुकड़ी हुई अपने नाल लेके जा। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਧਰੋਂ ਹੈ ਭਾਬੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ, ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਦੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਓਏ ਅਰੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਰ ਮੇ, ਅਰੇ ਮੇਰਾ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਰਾ, ਅਰੇ ਦੇਖਣਾ ਜਰਾ ਬਚਾ ਕੀ ਗਏ। ਓਏ ਹੱਟ ਜਾ ਮੇਰੇ ਖਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਖਾਵਾਂ ਦੇ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ क्या है हिटलर खातू ने? मैं बता रही हूँ आपका दोस्त कितनी तीलियां बुझाएगा, एक दिन तो मर ही जाएगा बेचारा। इसको हिटलर भी नहीं मार पाएगा क्योंकि सलमा का बलमा जो है ये। अरे भाई आपकी लाइफ तो बहुत एडवेंचरस है। मेरी लाइफ खराब क्या, बर्बाद हो गई है, मेरी मंगनी टूट गई है, सारे डॉक्यूमेंट्स अंदर जल गए हैं और आपको मेरी लाइफ एडवेंचरस लग रही है। हां भाई ऐसा है तो ऐसे सही, वेलकम टू माय लाइफ। नहीं भाई योर लाइफ। खुदा के वास्ते आप बैठ जाए, मुझे आपको देख देख के चक्कर आ रहे हैं। अरे मैं इसलिए लट्टू की तरह चक्कर काट रहा हूँ कि तुम्हारे बेटे ने ना कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे बेइज्जत कर दिया। मेरा बेटा
हरकतें तो वो आप वाली कर रहा है, आप भी तो शादी में एक घंटा लेट आए थे। मैं जान के लेट आया था क्योंकि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता था। काश आप ना आते, मैंने कौन सी शादी करनी थी आपसे। अच्छा, अगर मैं ना आता ना तो आपको ये पता नहीं है कि आपका खानदान भी उसी तरह बदनाम हो रहा होता जैसे आज अरशद भाई का खानदान बदनाम हो रहा है। कहीं का नहीं छोड़ा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मुझे इस लड़के ने। सुमन बेटी का क्या होगा? क्या होगा, वो तो लाइव मंगनी सब लोगों को दिखाने के लिए आई थी, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए आई थी। कौन सा आपके बेटे से सच में शादी करनी थी उसने? आपका बेटा, आपका बेटा, आपका बेटा, सिर्फ मेरा ही बेटा है, आपका कुछ ही नहीं लगता। वो आपका बेटा, आपका बेटा कह के सारा मलबा मुझ पर डाल दो। अच्छा बस कर दे खुदा के लिए, हर वक्त चीखते रहते हैं, कोई और काम ही नहीं है। चीखते रहते हैं, चीखते रहते हैं, खुद तो देखो आवाज बिल्कुल। नवीद भाई आपको बताया तो है कि सारे डॉक्यूमेंट जल के खाक हो गए यार, नहीं है मेरे पास पासपोर्ट। आप एक काम करें, आप मेरी लंदन वाली फ्लाइट कैंसिल करें और आप इस्लामाबाद के लिए मेरा टिकट बना दें। NIC भी तो नहीं है ना। चले मैं करता हूं मैनेज। ओके, सर में दर्द हो गया यार, कॉफी पीने चले? एक्सक्यूज मी, चलो यार, आई नीड समवन टू टॉक टू, प्लीज डोंट लीव मी अलोन ना, प्लीज चलते हैं ना कॉफी। अच्छा मैं बिल पे कर दूंगा। ओके लेट्स गो। ठीक है, चार्जेस लगेंगे वेटिंग समेत। ओके आई विल पे यू, लेट्स गो नाउ। ओके बॉस चले। वैसे हैं तो आप बड़े आदमी लेकिन लाइफ आपकी बहुत एडवेंचरस है। सही कह रही हैं आप, NIC पासपोर्ट सब खत्म, बाप ने घर से बाहर निकाल दिया, रिश्तेदारों से लड़ाई, रहने की कोई जगह नहीं, कोई ठिकाना नहीं, इन शॉर्ट जिंदगी मिजरेबल चल रही है। लेकिन आपको तो हर सिचुएशन से पॉजिटिव पॉइंट निकालना है। यू आर राइट, काफी एडवेंचरस लाइफ मेरी। आई एम रियली सॉरी, मेरा मजाक उड़ाने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था। व्हाई आर यू सॉरी, जब जिंदगी मेरा मजाक बना चुकी है तो आपको कौन सा बिल आ रहा है, आप ही बनाए। वैसे लड़की रिजेक्ट करने पे कौन सा बाप घर से निकालता है? मेरे बाप ने मुझे घर से नहीं निकाला, मैं खुद घर छोड़ के आया। और जिस लड़की की आप बात कर रही हैं ना, सुमन वसीम साहब की इकलौती बेटी है, और वसीम साहब इज दी वसीम साहब, मल्टी मिलियनर गाय। शादी के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस उनके दिमाग का होने वाला था, जो कि मैं था। वाओ, चले कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप बताएं आगे क्या प्लान है? ठिकाना चाहिए पहले तो यार। कैन यू जस्ट डू मी अ लिटिल फेवर, आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानती हैं जो थोड़ी रहने के काबिल हो बस और थोड़ी सस्ती? मेरे पास कार तो है लेकिन उसमें कोई बहुत मोटे फंड्स नहीं है, सो कैन यू हेल्प मी विद दैट? सोचते हैं, कॉफी पिए, कुछ हो जाएगा। चेहरे पे बारह क्यों बजे? में मजाक करी, मजाक करी। कोई रूम नहीं दे रहा, आईडी नहीं है मेरे पास। ये तो प्रॉब्लम है। तुम्हें कितने दिन के लिए रहना? डॉक्यूमेंट्स बनने में मेरे ख्याल से 8-10 दिन लग जाएंगे शायद। क्यों? चलो कहाँ? अरे चलो साथ बताती हूँ, चलो चलो चलो, बहुत फिट आइडिया आया, चलो। यहीं पे रुको, मैं नीलम से बात करके आती हूँ। हाँ
किराएदार। मैं तो समझी कि शायद उल्लू वाला फॉर्मूला बिना खाए असर कर गया, तुम अपने लिए कोई बहुत प्यारा सा लड़का ढूंढ कर ले आई। अरे आंटी नीनम, पहले कमाई का सोच लें फिर शनाई का सोचेंगे। अच्छा लड़का है, किराया दे रहा है पूरा। तरबूज की तरह होते हैं ये लड़के, बाहर से तो बड़े अच्छे नजर आते हैं मगर अंदर से ना। जानू तुम इसकी टेंशन मत, मैंने देख लिया लड़का ठीक है, शरीफ है, 10 महीने का किराया दे रहा है 10। मिलो। ओके बुला लो। बुला लूं। हेलो आंटी नीलम स्पीकिंग। अब 12 बजे तक रेडी हो जाएगा आपका ऑर्डर, पिक करवा लीजिएगा। सुनो चलो तुम्हें नीलम से इंट्रोड्यूस कराना है। चलो लेट्स गो। नाम क्या है आपका? आमिर। मैरिड या अनमैरिड? अनमैरिड। अच्छा हाँ। हेलो आंटी नीलम स्पीकिंग। जी जी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बिजी हूँ जरा। अच्छा तो आमिर बेटे आप कुछ और बताएं ना अपने बारे में। अपने बारे में मेरा नाम आमिर है आंटी, एक बहुत बड़ी फर्म में मैं बिजनेस मैनेजर हूँ थैंक्स टू माय डैड। उसके अलावा मेरी मॉम डैड, मेरा बहुत अच्छा दोस्त और मेरी मंगेतर, सबसे तो मिली चुकी रबाब, सो शी नोज़ मी वेल। ठीक है तो तुम फिर आज से हो रेंटर हमारे, पेइंग गेस्ट। हाँ हाँ किराएदार। वो ये कुछ किराए का पैसों का कुछ? अरे आंटी पैसों की परेशानी आप बिल्कुल मत लीजिए, मैं पहले ही मैंने लिफाफा बना लिया था। अरे नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, ये 10 दिन का एडवांस। हाँ हाँ जी जी मैं आपसे बात करती हूँ अभी। जी जी ये जरा एसी तेज कर दो, गर्मी लग रही है बच्चे को। हाँ मुझे याद है 3 केक्स आपके। थैंक यू, चाह मेरे अपने काम नहीं आए तो आप जैसे अजनबी ने मेरा इतना साथ दिया, थैंक यू। वैसे एक बात बताऊं, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट जो भी हुआ मैं बहुत अरसे बाद इतना हंसी। चले आई एम ग्लैड कोई तो हंसा। खैर मैं आपका कमरा ठीक करके आती हूँ। जी घर वापस नहीं आए, कहाँ हो कैसे हो? जहाँ भी हूँ ठीक हूँ। मुझे तो लगा कि तुम लंदन चले गए होगे। नहीं यहीं हूँ, फ्लाइट कैंसिल हो गई थी मेरी, पासपोर्ट कपड़े सब चल गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं दोबारा बन जाएंगे। अच्छा सुनो मुझे लड़की आई थी ना मुझे बहुत प्यारी लगी, अगर तुम दोनों के दिमाग मिलते हो ना आपस में तो फिर हमारी वाली गलती बिल्कुल मत करना, फौरन उससे शादी कर लेना। इंस्टाग्राम वाली से तो बहुत अच्छी है ना। For God's sake, mom, आप लोग पहले ही उसे इतना इंसल्ट कर चुके, अब उसे और बेइज्जत मत कीजिएगा। अच्छा बताओ घर कब आ रहे? नहीं आ रहा हूं मैं वापस, कभी नहीं आना मुझे उस घर में वापस। और क्यों आऊं मैं उस घर में, उस घर से मुझे घर वाली फील आती ही नहीं है मॉम। कभी आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि मैं क्या चाहता हूं या मुझे क्या पसंद है? आप लोगों को सिर्फ लड़ना है, हर वक्त लड़ते रहना है। Fed up, mom. I'm done with it. मैं अब उस घर में नहीं आऊंगा। बेटा ये सब ना तुम्हारे बाप का कसूर है। कौन सी मैं जिंदगी से खुश हूँ, इस घर को जंग का महाज बना के रखा हुआ है तुम्हारे बाप ने। बुराई कीजिए अपने बेटे से। मैं ही बुरा हूँ, मैं पागल हूँ, मैं हर वक्त बोलता रहता हूँ। आप दोनों माँ बेटे तो दूध के धुले हुए। अपनी आवाज को ना कंट्रोल में रख के बात करें, इसी वजह से ना आपसे बात करनी मुश्किल हो जाती है। जहन्नम बना के रख दिया आपने मेरी जिंदगी और मेरे बेटे की। आपकी जिंदगी जहन्नम कर दी मैंने और आपने तो मुझे जैसे जन्नत का माहौल मुहैया कर दिया घर में।
अरे अगर आपका बस चले ना तो आप तो मुझे एक वक्त का खाना भी ना दे, वो तो नौकरों की मेहरबानी है। और आपका बेटा बेकार है, वो आपसे भी आगे बेइज्जती कराता है। रबाब, रबाब उठ जाओ। हेलो जी, मैंने आपसे कहा ना, मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ, मेरा शो है जी। ओके रबाब उठ जाओ ना बेटा, क्या हो गया, नाश्ता बन रहा है, आओ जल्दी। आपसे नहीं कह रही, बंद करें आप जी। कल करेंगे नाश्ता, आज सोने दो। मेरी जिंदगी में ना 10 रबाबे नहीं है, एक ही हो तुम बस। और तुम्हारा ख्याल रखना, मेरा अवलीन फर्ज है, मेरा बच्चा। आज आज नाश्ता कर लो, आज। I love you नीलो। Same to you। चलो जल्दी से आज, आज जल्दी। कितनी मर्तबा तुमसे कहा है कि वक्त पर आया करो, अरे सारी डिलीवरीज लेट हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी, अभी मैं तुम्हें नाश्ते के लिए बुलाने आ रही थी, नाश्ता बना रही हूँ बस। पानी? पानी पानी पीकर क्या करोगे, ये देखो मैंने फ्रेश जूस बनाया है, मेरी अपनी रेसिपी है। आप शर्मिंदा कर रही हैं, मैं पानी पी लेता हूँ। बहुत ही रिफ्रेशिंग है। और हाँ, नाश्ता साथ ही करना है तुमने, ठीक है? आंटी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर से कर लूंगा, आप तकल्लुफ मत करें। आप हमारे पेइंग के साथ साथ गेस्ट भी हैं, सो नाश्ता आप हमारे साथ ही करेंगे, और इस घर में नीलम आंटी की मानी जाती है। ओके मैं आ जाता हूँ। ये मेरा कहना नहीं है, रुबाब बेगम का कहना है कि यहाँ मेरा ही ऑर्डर चलता है, तो आपको मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। ठीक है, फ्रेश हो क्या? थैंक यू। 7 बादाम रोजाना रात को भिगो कर रखती हूँ, इतना ड्राई फ्रूट लाई हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मजाल है जो तुम खा लो। तुमसे बात कर रही हूँ रुबाब। मुझसे? हाँ, रखो फोन यहाँ पर, मेरी बात सुनो। रोजाना रात को 7 बादाम भिगो कर रखती हूँ, मजाल है जो सुबह उठकर तुम खा लो। ख्याल ही नहीं रखती हूँ अपना बिल्कुल भी, हद हो गई है कसम से। नीलो रानी, कितने गुच्छे में रहती हो आजकल तुम। हाँ गुस्सा करती हूँ, गुस्सा करूँ ना तो सुधर जाए लड़की का समझ। अच्छा बेटा एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, मुझे नहीं तकल्लुफ अच्छा ही लगता बिल्कुल। अरे भाई अपना घर समझो बेटा, आराम से खाओ लो, निकालो। जी आंटी मैं ले लेता हूँ। वैसे आंटी एक बात कहूँ, आप बहुत अच्छे हैं। देखो बेटा, जो खुद अच्छा होता है ना उसे सब अच्छे लगते हैं। नाश्ता करो सही से, ये गरम चाय। थैंक यू। गलत फहमियां हो जाती हैं रिश्तों के दरमियान, लेकिन अगर हम उन्हें सुलझाना चाहें तो वो सुलझ भी जाती। हाँ लेकिन एक बात है, जहन का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जहन ना मिले तो जिंदगी एक भारी ट्रैक्टर की तरह हो जाती है। ट्रैक्टर की तरह? हाँ एक मिनट। हेलो, हाँ आ गए तुम? हाँ हाँ मैं आती हूँ। अच्छा बच्चों तुम नाश्ता करो, मैं आती हूँ एक मिनट जरा। आँखों में नमी हंसी लबों पर क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो? यार रुबाब डू मी अ फेवर, मुझे ना कुछ देर के लिए अपने घर जाना है, काफी देर से शर्ट में घूम रहा हूँ, कुछ कपड़े पिक करने हैं, मुझे ले चलोगी? डन, राइड लेनी पड़ेगी। और वेटिंग के चार्जेस अलग होंगे। ओफो ठीक है भाई, ले लेना चार्जेस। नाश्ता करो फिर चलते हैं। ओके
मॉम डैड बस हो गई है मेरी, मैं अब इस घर में एक लम्हा भी और नहीं गुजार सकता, जा रहा हूं मैं इस घर से हमेशा के लिए। ऐसे कौन जाता है घर छोड़ के? अरे जाने दो इसे, कौन से इसने कारनामे दिखाए जो मैं इसको अपने घर में रखूं? मेरी नाक कटवा दी, पूरे खानदान में सब दोस्तों में बेइज्जत कर दिया इसने मुझे। और सुनो ये सूटकेस लेकर जा रहे हो, इसमें जो कपड़े हैं मेरे पैसों के हैं, मैं नहीं ले जाने दूंगा। हटो हटो, और ये गाड़ी भी उतारो, उतारो गाड़ी, ये ले। अरे ये ले, ये भी ले। क्या कर रहे हैं आप? होश करें, होश करें। इसने कहीं का नहीं छोड़ा। और कुछ चाहिए? ये जो कपड़े पहने हुए ये भी आपके पैसों के हैं, और अगर कहेंगे ना तो ये कपड़े भी उतार के दे दूंगा आपको। नहीं बेटा, इतना सख्त बाप नहीं हूं मैं कि तुम्हें बगैर कपड़ों के बाहर भेज दूं। लोग सड़क पे पत्थर मारेंगे तुम्हें। सुनो, याद रखना, तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड, तुम्हारा बैंक अकाउंट सब ब्लॉक करा दिया मैंने। अब पता चलेगा बाप के पैसे पे बहुत अय्याशी कर ली तुमने, अब तुम्हें आटे दाल का भाव पता चलेगा। सुमन से शादी नहीं करोगे ना तुम? नहीं करो, बेइज्जती करा। आपने ना हमेशा हमेशा अपनी मर्जी मुसलत की हम पर। ये मेरा घर है, जैसे मैं चाहूंगा वैसे उठेंगे लोग, वैसे बैठेंगे, वैसे खाएंगे, वैसे पिएंगे, और मेरी मर्जी से शादी करेंगे। तुम भी नहीं कर सकती। क्या क्या बकवास कर रहे हो? आपने 30 साल एक मरे हुए रिश्ते की लाश को घसीटते घसीटते अपनी जिंदगी तो जहन्नुम की तरह गुजार दी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी ऐसी नहीं गुजारना चाहता। आपको अपनी मर्जी चलानी है ना डैड? चलाते रहे आप, चारों में चलाते रहे अपनी मर्जी। यहाँ पे हद होती है। अब पता चलेगा इसको। क्या वो बैग कहाँ? अच्छा, फाइनली तुम्हें घर से निकाल ही दिया है। यार एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतना पैसा, इतनी दौलत, इतने बिजनेस है, तुम क्यों सब छोड़ के इन चक्रों में पड़े हो? अय्याशी करो, लाइफ एंजॉय करो अपनी। मसला बता क्या है? तुम्हारे पास ना शुरू से पैसे, इसमें तुम्हें वैल्यू नहीं है पैसे। तो प्लीज यार, अपना ये लेक्चर अपने पास ही रखो। तुम वैल्यू नहीं है पैसे। इंसान को तो जन्नत ही मिल जाए ना, और उसकी मर्जी ना पूछी जाए, माँ बाप उसे प्यार ना देते हो, तो ऐसी जन्नत जहन्नम से भी बदतर होती है। लेकिन तुम क्या सोचोगे? तुम्हारे पास हमेशा से माँ है, माँ बाप का प्यार क्या होता है, उसकी कमी क्या होती है, तुम नहीं समझ सकते। I'm sorry. अच्छा, can you just do me a little favor? यार मैंने कब से ये शर्ट पहनी हुई है, कपड़े नहीं है मेरे पास, सब तो बैग में थे, तो शॉपिंग करा दो यार। और प्लीज इसका चार्ज मत करना, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, टोटल ब्रोक। शॉपिंग कराती हूँ, मजा आएगा। चलो बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बड़ा जबरदस्त टोटका बताया आपने। नहीं नहीं, अभी इस्तेमाल कहाँ किया, अभी से असर हो गया उसका तो। अरे बाप, कल बड़ा तगड़ा सा उल्लू पकड़ के ले आई है। मजाक कर रही हूँ, कल लड़का लेकर आई है अपने साथ, बड़ा हैंडसम है। हाँ नहीं नहीं, भगा कर क्यों लाएगी, क्या हो गया बाबा जी आपको? मेरी बच्ची ऐसी नहीं है, पेइंग गेस्ट लाई है, लेकिन ना उसकी मंगनी हुई भी है, मुझे ना कोई चांस नजर नहीं आ रहा दोनों में। आप ना कोई ऐसा टोटका बताएं कि मंगनी भी टूट जाए और दोनों का चांस भी बन जाए। वही टोटका बताइएगा जो आपने मेरी मंगनी तोड़वाने के लिए बताया था। एग्जैक्ट, ठीक है। क्या कॉफी? क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रही हो?
कुछ नहीं यार, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तुम्हारी। मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। तो हमेशा से ये कैब सर्विस के कैप्टन बनना चाहती थी? कोई शौक नहीं था मुझे। मेरा मसला पता है क्या है? मेरी ना जॉब से नहीं बनती है। मुझे जो भी बॉसेस मिले आज तक खड़ूस ही मिले और खड़ूसों से मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती। मैं कुछ अपना करना चाहती हूँ, अपनी कंपनी बनाना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स ही होते हैं जो राइट्स वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तब तक खोली क्यों नहीं? इन्वेस्टमेंट, आई कैन हेल्प यू। गॉड, क्या क्या हुआ? प्लीज अब मुझे वो वाली तुम स्टोरी मत देना जो तुमने नीलम बेबी को दी है, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा था? अपने डैड की कंपनी में जितने भी इन्वेस्टर्स थे ना, उन सबको बिजनेस स्ट्रेटजीज मैं ही बना के देता था। और अगर मैं ये आइडिया उनको पिच करूंगा, तो शोर कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। व्हाट? अरे सच बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी यार, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, मैं किसी को भी पिच कर सकता हूँ। I can get you good investment. देखो, मजाक नहीं करो। अरे मैं क्यों मजाक करूँ? Trust me, तुम्हारा काम हो जाएगा। Coffee time. अरे, thank you आंटी, आपने क्यों तकलीफ की? Coffee पियो ना, जरा माहौल बनता है ना coffee पीने से। कौन सा माहौल? अब मेरा मतलब है वो अच्छा लगता है ना, जरा हवा चल रही हो, कॉफी हो। तुम लोग करो, करो बातें, करो खुशगप्पियां करो तुम लोग। हाँ वैसे तुम्हारी मॉम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग नहीं है, ड्रामा है एक नंबर की। तुम्हें तो 24 घंटे उनके दिमाग में ना स्कीम्स चलती रहती है, वो भी मेरी शादी को ले। तो कर लो शादी। और मेरी नीलम का क्या होगा? ये कंपनी मुझे अपनी नीलम के लिए खोल ली। सोचो अगर कंपनी खुल गई उसके बाद? शायद सोचूंगी। चलो कंपनी की परेशानी अब तो मत लो। अच्छा वैसे बेटा, मैं ना ये पूछना चाह रही थी बेटा कि कल दोपहर में खाने में क्या बनाऊं मैं? अरे नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर से खा लूंगा। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे मैं हम दोनों के लिए खाना बनाती हूँ, उसमें एक और बंदे के लिए बना लूंगी तो मेरे हाथ कोई टूट थोड़ी जाएंगे भला। आंटी आप बिना वजह तकल्लुफ कर रही हैं। नहीं तकल्लुफ नहीं है, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा अपना घर है, बस अब अगर तुमने मना किया ना तो मैंने कान पकड़ लेने तुम्हारे। ओके बातें करो आराम। यार सुनो एक बात तो बताओ, कि जब भी नीलो डार्लिंग तुमसे खाने का पूछती है तुम इतने अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हो? यार सच बताऊं तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ना ये चीज एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरे घर पे ये सारे काम सर्वेंट्स करते थे, मेरे माँ बाप में और मुझ में इतना गैप रहा है कि मैंने ये चीज कभी फील नहीं किया। सो यू नो, जब मैं ये सब देखता हूँ ना, कैसे बताऊं, इट्स वेरी स्ट्रेंज फॉर मी, ऑकवर्ड लगता है बहुत। ये जो तुम्हें स्ट्रेंज लग रहा है ना, यहाँ का नॉर्मल है, जब तक यहाँ हो आदत डाल लो। हाँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तुम्हारी राइड का बचा हुआ बिल ये रहा। नहीं भाई अब हम दोस्त हैं। हाँ लेकिन ये दोस्त बनने से पहले का, प्लीज ये तुम्हारे हक के पैसे कीप इट प्लीज। थैंक यू। वैसे अपनी नई कंपनी का कोई नाम तो सोचा ही होगा। नीलो कैब सर्विस। कुछ अनकही कुछ प्यारी सी बातें मेरे दिल में रह गई, दुनिया की ना कोई फिकर, अब वो करूं जो मेरा दिल कहे। चल दिल मेरे हो 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 हो, चल दिल मेरे हो 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 हो, चल दिल मेरे, चल दिल मेरे, चल दिल मेरे हो 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 हो, चल दिल मेरे हो 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 हो, चल दिल मेरे।
नहीं नहीं भाई, मैं आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकती। पहले भी आप लोगों की पेमेंट इतनी डिले हुई थी और इस बार भी 4 दिन हो गए। आई एम सो सॉरी, मैं इस तरह का बिजनेस करती ही नहीं। ठीक है, बाय। यस आंटी नीलम स्पीकिंग। अरे नहीं भाई, मैं आपका शो नहीं करना चाहती। आप लोग पे मास्टर नहीं है एक तो, ऊपर से वार्डरोब मैं खुद करूं, फिर मतलब रेसिपीज मेरी इतनी एक्सपेंसिव होती है, वो भी खुद बनाऊं। हाँ नहीं नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू। जी जानू, चाय तो बना दे, सर में दर्द हो रहा है। अच्छा जी, बनाती हूँ बेगम साहब। हेलो आंटी नीलम स्पीकिंग। ओहो याद है मुझे, 1 dozen रेड वेलवेट, 1 dozen चॉकलेट, राइट? ठीक है नीली। हम्म, ये क्या है? ये बच्चों के नाम है, कितने क्यूट है ना। चीचू, पीचू, कुकी। गर्ल्स के नाम बड़ा मुश्किल होता है भाई सोचना। पता है जब तुम्हारा जब नाम रखना था, मुझे पूरा 1 महीना लगा था। एक्सक्यूज मी, आंटी नीलम स्पीकिंग। अरे भाई, अभी तो मना किया आप लोगों को कि मैं नहीं करना चाहती आप लोगों के साथ शो, मैं बिजी हूँ, बाद में बात कीजिएगा, बाय। हाँ तो मैं कह रही थी, पूरा 1 महीना मैंने सोचा, तब मुझे कहीं जहन में आया कि बस मुझे आर से तुम्हारा नाम रखना। फिर मैंने तुम्हारा नाम रुबाब रख दिया, कितना पॉलर नाम है ना। नीलम ये क्या? मैं उर्दू लिखनी सीख रही थी ना, जैसे उर्दू में होता है ना, चाचा, मामा, बाबा, आजा, काका। तुमसे झूठ भी नहीं बोल सकती, तुम्हारे और आमिर के बच्चों के नाम। मेरे और आमिर के बच्चों के नाम? अगर नहीं अच्छे लगे तो मैं चेंज कर दूंगी, कुछ और रख लेंगे। नो, आमिर, मैं जानती हूँ मैं ही तुम्हें लेकर आई थी यहाँ पे, तुम्हें हेल्प की जरूरत थी उस वक्त, और बड़े दिल से किया मैंने ये, लेकिन अब तुम्हें जाना पड़ेगा। नहीं, दोस्त हम रहेंगे, बस यहाँ नहीं बाहर मिलेंगे। फिर मुझे निकाल क्यों रही हो? मेरा कसूर तो बता दो। भाई आमिर जाएगा ना, मैं तो उसके साथ जाऊंगी बस। सोच लो नीलम आंटी। सोचने का काम तो हमने कभी किया नहीं जिंदगी में। अरे ये क्या? अरे ये हमें निकाल क्यों रही है, पता है ना? पता नहीं, मुझे क्या पता, इसी से पूछो। अरे निकाल क्यों रही हो घर से बाहर, रीजन तो बता दो। ओहो, अपनी नीलम आंटी से पूछो। क्या कह रही है ये? क्या हुआ? मैंने तो बस बोला था कि तुम दोनों ना एक साथ अच्छे लगते हो, मैंने तुम्हारे बच्चों के नाम लिख रही थी, चीचू, पीचू, क्यूट नाम है ना, और लड़कियों में ना मीमी, कुकी। बस मैंने कहा तुम ना सचते हो ना आपस में, तो तुम्हारे साथ कोई चांस। अरे मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं इसके साथ अपना चांस बनाऊं? क्या 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 क्या, फिर बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो मैं तुम्हारे साथ अपने आप को सोचूं। पोम्पी और भाभी की हालत देख ली मैंने, और उसके बाद तो मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता। गुड, वेरी गुड, वरना तुम्हारा तो मैं वो हशर करती कि तुम याद रखते। दोस्त ने तो तीरी बुझा दी थी, तुम ना बुझा पाते। पागल कुत्ते ने काटा, शादी करेगा। अब मैं कह रही हूँ इसे उल्लू का दिल खिलाना पड़ेगा। अरे आंटी आप तो 1 सेकंड चुप करें, आप सोचने दे मुझे। आपकी बेटी तो बिल्कुल ही साइको है। मुझ पर ही गई है, मैं तो बड़ा चाह के अपने बाप पर चली जाए लेकिन मुझ पर चली गई। कुछ सोचना पड़ेगा। देखो रबाब, सोचो, अब तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स हैं, तुम्हें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, तो पैसा तो मैं ही इन्वेस्ट करूंगा ना। अरे मुझे बाहर क्यों निकाल रही हो, दरवाजा खोल दो ना, तुम्हारे ख्वाब भी तो पूरे करने। अच्छा ठीक है, दरवाजा। नीलम आंटी स्पीकिंग। अरे आंटी इतना बड़ा मसला चल रहा है, आप फोन तो बंद। हां हां, एक मसला हो गया हमारे घर में, मैं अभी कॉल करती हूं आपको। दरवाजा खोल दो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। नहीं
अच्छा ठीक है, कर लूंगा यार, अब तो दरवाजा खोल दो। नहीं, मैं कह रही हूँ इसे उल्लू का तिल खिलाना पड़ेगा हमें। प्लीज प्लीज, तुम तो बहुत उसूल परस बनती हो ना। तुमने मुझसे 10 दिन का एडवांस लिया था और आज 5 दिन हुए, 5 दिन में ही मुझे बाहर निकाल दिया। ये है तुम्हारी ऑनेस्टी? बहुत सारे वकीलों को जानता हूं मैं, अरे कोर्ट में ऐसा घसीटूंगा ना कि लक पता जाएगा। नहीं नहीं, ऑनेस्ट है मेरी बेटी। अभी अभी ये देखो, खोल दिया दरवाजा। मैं भी देखता हूँ 10 दिन से पहले मुझे यहाँ से कौन निकालता है। हेलो, अरे भाई बताया ना, मसला चल रहा है घर में, बाद में बात करती हूँ। I'm sorry. वो नीलम की बात पे गुस्सा आ गया था तो मैं रिएक्ट कर गई। भाई कोई तुम्हें ऐसी बात करेगा तो रिएक्ट करोगे ना? नॉर्मल सी बात है। नहीं, ऐसे भी रिएक्ट नहीं करूंगा। खैर छोड़ो, इट्स ओके। वो डॉक्यूमेंट्स का क्या बना? स्टेप लग रहे हो। क्या सोच रहे हो? माँ बाप याद आ रहे हैं यार, तो कॉल करो। हमारी लाइफ का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ईगो है। हम जब भी आगे बढ़ना चाहते हैं ना, ईगो हमें यूं पकड़ के पीछे खींच लेती। इसी चक्कर में हम सब लूज कर जाते। बड़ापन सिर्फ बड़ों में नहीं, छोटों में भी होना चाहिए। आज आप बड़ी खामोश हैं, कोई नया बहाना तो नहीं ढूंढ रही लड़ाई का? उड़ी, आमिर का मैसेज आया है। देखो तुम्हें आया? अब पता चला इसको आटे दाल का भाव। अब माँ बाप याद आ गए हैं? बेटा ऐसे ही होता है, हम मना कर रहे थे। याद भी तो उसी ने किया है, हमने कौन सा उसे याद किया है? सही कहता है वो, सारी जिंदगी हो गई हमें आपस में लड़ते झगड़ते, लेकिन वो क्या चाहता है उसके लिए हमने आज तक लड़ाई नहीं की। घर से दूर, हमसे दूर, वहां बैठकर वो हमें याद कर रहा है, और इस सब के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। ठीक ठीक है, डाल दीजिए सारा मलबा मुझ पे ही डाल, मैं ही जिम्मेदार हूं। कितने दिन हो गए शादी को हम दोनों की, लेकिन बीवी आज तक नहीं समझ पाई। आमिर, 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 नीचे आओ, नीचे आओ, जल्दी से इधर आओ। तुम नीचे आओ, मैं तुम्हें बताऊंगी। जल्दी जल्दी। ओह माय गॉड, आमिर तुम्हें पता नहीं है, मुझे यकीन नहीं। ये देखो क्या हुआ? इधर उधर उधर ये देखो। हाँ, डील हो गई है। हो गई? कांग्रेचुलेशंस। फाइनली मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी बड़ी डील हो गई है। फाइनली मुझे अपना ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। मैं फाइनली कंपनी खोलूंगी। थैंक यू।
अच्छा सुनो, ये बताओ भाई, शेयर कितना चाहिए आपको? शेयर? कुछ नहीं। क्यों भाई? स्ट्रेटजी आपकी, प्रपोजल आपका, क्लाइंट आपका, शेयर तो बनता है। हाँ, लेकिन आइडिया तुम्हारा था, और अगर मैंने तुमसे शेयर ले लिया तो दोस्ती की भी हुर्मत होगी। भाई तुम तो बड़े अच्छे इंसान हो, कहीं दिल विल ना स्लिप हो जाए मेरा। खतरनाक किस्म की पागल हो तुम, मेरा दिल स्लिप नहीं होगा, फिक्र मत करो। और अगर दिल स्लिप हो भी गया तो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। देखो, पता नहीं आगे हमारा साथ रहे या ना रहे, लेकिन जितना भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया ना, कहीं भूल नहीं पाऊंगा। लेकिन एक चीज, तुम अपना ये ख्वाब जरूर पूरा करोगे, प्रॉमिस। प्रॉमिस। कुछ प्यारी सी बातें मेरे दिल में रह गई, दुनिया की ना कोई फिकर, अब वो करूं जो मेरा दिल कहे। चल दिल मेरे हो 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 हो, चल दिल मेरे हो 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 हो, चल दिल मेरे, चल दिल मेरे, चल दिल मेरे हो 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 हो, चल दिल मेरे हो 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 हो, चल दिल मेरे, चल दिल मेरे। बेटा मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, सारी जिंदगी ना मैंने तुम्हें बहुत इग्नोर किया है। हाँ हमें माफ कर देना, हम दोनों मियां बीवी की हमेशा की चपखलिश की वजह से हमने अपनी औलाद को बहुत इग्नोर किया, सॉरी। और सुमन को जबरदस्ती तुम्हारे सर पे सवार करने की कोशिश की और तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनाने की कोशिश की। मैंने तो पहले ही कहा था। अरे मैं बात कर रहा हूं ना, सॉरी बेटा। आई होप बेटा तुम अब सब कुछ भूल जाओगे। मैं तो ये घर छोड़कर जा चुका था डैड, और अगर रबाब ना होती ना। किसका बाप? शबाब, लड़की का नाम है रबाब। ओ रुबाब। अगर रुबाब नहीं होती ना तो मैं आप दोनों से बहुत दूर जा चुका होता। उसके साथ रह के मुझे अंदाजा हुआ, उसने मुझे सिखाया, उसकी माँ ने मुझे सिखाया डैड, कि असल खुशी तो माँ बाप के साथ है, और माँ बाप कितने इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है तुम उन माँ बेटी की वजह से घर वापस आए हो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वो लड़की बहुत अच्छी है, जचती है तुम्हारे साथ। तो यार हम सबको जाना चाहिए उनके पास शुक्रिया अदा करने। देखो आमिर, अब मैं ना उनके घर में तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मॉम, सामान लेने के लिए तो जाना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। हाँ हाँ, दोनों माँ बेटे जाओ, बाप की तो कोई हैसियत ही नहीं है। जाओ जाओ भाई जाओ। एक तो आप लोग हर बात पे झगड़ा करना क्यों स्टार्ट कर देते हैं? अरे मैं हक की बात कर रहा हूँ बेटा, अगर तुम दोनों माँ बेटों को हक की बात समझ में नहीं आती तो जाओ दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ। अगर हक की बात मैंने कर दी ना तो आप दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, और वहाँ जाके ना कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा। तुम भी कोई ऐसी बात मत करना कि मेरे तन बदन में आग लग जाए, समझ गए तुम? प्लीज प्लीज चुप हो जाए आप लोग। आप लोगों ने चलना है तो चले, मैं जा रहा हूँ। जा 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 जा, जाएंगे बेटा, क्यों नहीं जाएंगे? तो फिर ठीक है, रेडी हो जाए आप लोग। आप तो जानती है ना कि जब औलाद घर छोड़कर नाराज होकर चली जाए तो माँ की नींदें खत्म हो जाती है। हाँ, बाप तो जैसे खर्राटे लेके सो रहा होता है, बाप भी परेशान होता है। मैं बात कर रही हूँ ना। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि जब औलाद नाराज होकर घर छोड़कर चली जाती है तो माँ की नींदें उड़ जाती हैं। शुक्रिया मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए, वरना हम तो माँ बाप होकर भी उसका
इतना ख्याल नहीं रख सके जितना आपने रखा है। आमिर ने बताया था मुझे आपकी बेटी के बारे में, बहुत खुशी हुई मुझे सुनकर। बहुत खुशनसीब हैं आप जो आपकी बेटी ऐसी है। वो तो है, अल्लाह का शुक्र है, बस शादी नहीं हो रही है उसकी। कोई बात नहीं, हो जाएगी। वैसे आपकी बेटी में किसी भी चीज की कमी नहीं है। जी जी, ये तो है। अब वो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपकी फैमिली, आपके शौहर। डिवोर्स ले ली थी जब रबाब 8 साल की थी सर। ओ हो, कि क्या बात है इसमें, और ना ही ये कोई ऐसी बात है कि किसी से ताज़ियत की जाए। देखिए सीधी सी बात है भाई, मेरा तो ये मानना है कि जब रिश्ते बोझ बन जाए तो रास्ते अलहदा कर लेने चाहिए, इसी में दोनों की भलाई है। कोई हर वक्त क्यों आपको ये बताए कि तुम्हें क्या करना है, क्या पहनना है, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्यों? कोई क्यों हर वक्त आपसे इस बहस में मुब्तला रहे कि तुम गलत हो? हर वक्त आपको ये जताता रहे कि तुम दुनिया की फारिग तरीन औरत हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम गलत हो, तुम गलत हो। तो बस रास्ता अलग कर लिया फिर मैंने। अब बहुत खुश हूं मैं, बहुत सुकून से अपनी बेटी के साथ। माय बेस्ट फ्रेंड। और हाँ, आपको पता है मैं बहुत अच्छी बेकिंग भी करती हूँ। इस वक्त पूरे शहर में तकरीबन 60 कैफेज हैं जहाँ पर मेरे बेक किए हुए केक और डिजर्ट्स जाते हैं। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। आंटी नीलम। आंटी नीलम आप हैं? आप हैं आंटी नीलम? नहीं, आप तो बहुत समझदार खातून हैं। आप तो बहुत से लोगों के लिए मिसाल हैं। थैंक यू। देखिए बातों बातों में आप लोगों के लिए चाय कॉफी का बंदोबस्त करना तो भूल ही गई। वो आंटी नीलम माफ कीजिएगा, देखिए डिजर्ट में तकल्लुफ मत कीजिएगा, मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है और आपके डिजर्ट तो A1 होते हैं। बिल्कुल भाई, डिजर्ट तो जरूर होगा, लाजमी होगा। सॉरी। डन। देख लो भाई, 4 दिन का किराया बाकी है अभी। 4 दिन का किराया, तुम्हारा बोनस। ओहो भाई। वैसे यार बहुत मजा आया यहाँ पे, तुम्हारा घर, हमारी कंपनी और खास तौर पे आंटी नीलम के डिजर्ट्स। आई मिस यू गाइस। कल तुम्हारी मीटिंग कितने बजे? 2 बजे। कल मैं तुम्हें यहाँ से पिक करूंगा और रास्ते में तुम्हें सब समझा दूंगा कि तुमने आइडिया किस तरह प्रेजेंट करना है। डन डन। और इस राइड का मैं तुमसे चार्ज नहीं करूंगा तुम्हारी तरह। Look at you. चलो। Let's go now. चलो भाई। Time to leave. वैसे थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए तुम्हारा,
बहुत सारी चीजों के लिए। नीलम आंटी को मेरा सलाम देना, शी इज अ वंडरफुल वुमन। आई विल, मैं चलता हूँ, बाय। आंखों में नमी हंसी लबों पर क्या हाल है क्या दिखा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो चल्ली। इतनी सी हल्दी सारे घर में मंदी, बताओ क्या हुआ? बल पागे। किसका मातम मना रही है? मुझे बता दे, मैं भी साथ ही मना लू। कहा था जब मैंने कि आमिर से शादी कर लो तो मुझे घर से निकाल दिया था, अब बताओ क्या करूं? निकालू तुम्हें घर से बाहर? चलो ठीक कह रही थी तुम, ब्यूटी हूं, फूल थोड़ी ज्यादा हूं। सही बात, अभी वक्त है, परेशान मत हो, सीधा सीधा से कॉल करो और अपने दिल का हाल कह दो। नहीं नहीं, क्या हो गया, ऐसे कैसे कॉल कर लूं? पहले उसको इसी बात पे घर से निकाला और अब उसको कॉल करके कहूं कि मुझे तुमसे शादी करनी, मुझे पसंद आ गए हो, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। कितना शोका लगा था ना जब तुम यहाँ पे होते थे। नहीं, मैं नहीं कर सकती। अरे ये नहीं हो सकता, दिमाग ठीक है तुम्हारा? मुझे कहती हो बी ब्रेव, तो आप खुद बहादुर बनो ना, करो कॉल उसे, कहो उसे कॉल करके के प्यार करती हो उससे, शादी करना चाहती हो, सिंपल। हेलो आंटी नीलम स्पीकिंग, आ गए तुम? अच्छा आ रही हूं, आ रही हूं। वैसे आंटी नीलम ठीक कहती हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, शादी करना चाहती हो तो कह दो, शर्माने वाली क्या बात है। अगर तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है तो शादी कर लेते हैं। तुम्हें भी? कुछ अनकही कुछ प्यारी सी बातें मेरे दिल में रह गई, दुनिया की ना कोई फिकर, अब वो करूँ जो मेरा दिल कहे। चल दिल मेरे हो 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 हो, चल दिल मेरे हो 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 हो, चल दिल मेरे, चल दिल। कुछ प्यारी सी बातें मेरे दिल में रह गई, दुनिया की ना कोई फिकर, अब वो करूं जो मेरा दिल कहे। चल दिल मेरे हो 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 हो,
चल दिल मेरे, हो 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 हो, चल दिल मेरे, चल दिल मेरे, चल दिल मेरे, चल दिल मेरे।